भाई कुछ तो बनाना है, बहुत भूख लगी है, अब क्या बनाएं। लेकिन मजे की बात यह है कि when somebody asks, जब कोई फरमाइश करता है, वो खाना बनाने में बहुत मजा आता है। So let's ask the gorgeous Sophie Chaudhary what she likes to eat. बाद में वही बनाएंगे फिलिप्स एयर फ्रायर में और खाएंगे मजे से। No, I don't like fried food. So I think I'm a little bit lucky when it comes to that. I don't like fried or oily food. I never have, except for the traditional British fish and chips. Okay. That's probably the only thing I like. और वो यहाँ तो मिलता नहीं है, तो मैं बची हुई हूँ। You know what, Sophia? हो सकता है कि उस क्वालिटी की कॉड फिश ना मिले हिंदुस्तान में, लेकिन इंडियन फिश has enough character to give you a good fish and chips. Let me prove that to you with this जादू की छड़ी, the Philips air fryer. Let's get started. Let's make a nice crispy fish and chips. चलिए सबसे पहले फिश का मैरिनेशन बनाते हैं। A touch of mustard, यानी कि बेसिक टेस्ट जो है वो मस्टर्ड से ही आएगा। इसके बाद डालेंगे रेड चिली पाउडर। एक काम करता हूं, थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल लेता हूं। लेमन जूस। देखिए ट्रेडिशनली द फिश इज बैटर्ड, यानी कि मछली के ऊपर बैटर होता है। थोड़ा सा एग वाइट। अब डालेंगे फ्लावर यानी मैदा। और अब लेते हैं अपनी मच्छी, इसकी स्किन निकाल लेते हैं। देखिए ट्रेडिशनली फिश एंड चिप्स में कॉड इस्तेमाल होती है, यहां पे हम अपनी फिश भेकती यानी कि सी बास यूज कर रहे हैं। और इसको मैरिनेशन में कोट कर लेते हैं, अच्छे से रोल कर लेते हैं ब्रेड क्रम में। और अब काट लेते हैं अपनी रफ कट फ्राइज। चलिए दैट शुड बी इनफ। इनको भी डाल देते हैं उसी मैरिनेशन में, एयर फ्राई करेंगे अपने फिलिप्स एयर फ्रायर में। द एयर फ्रायर इज प्री हीटेड, 200 पे प्री हीट किया हुआ है और फिश को 180 पे पकाएंगे 8 मिनट के करीब, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट। और एवरीथिंग इनटू द फ्रायर। And now we wait. Let us plate. तो चलिए देखते हैं अब फिलिप्स कैलोरी मीटर क्या कहता है।